नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मिचिन भाई प्रथम भाई हेडलाइंस लोंगेवाला पोस्टर सत्रों को प्रधानमंत्री का ललकार विस्तारवाद नीति नु हे बुझिबार और बुझेबार नीति उपरे विश्वास करे भारत देशर सुरक्षा रे करा जीवनि बुझाबणा जवान को मनोबल दृढ़ कले प्रधानमंत्री गजपति पारला खेमुंडी जननी जंत्रणा आंबुलांस न आसवर रास्तार प्रसव कले महिला पारला खेमुंडी राजनगर सामनु आसला अभाव दृश्य अटो साहय मेडिकल पठाइले स्थानीय बासिंदा पुणी 15 जीवन नेला महामारी कोरोना मृत्यु संख्या 1510 को वृद्धि 24 घंटे 902 नुआ आक्रांत चिन्हट संगरोधर 523 और स्थानीय अंचल 379 पटनागढ़ 6 जन को हत्या घटना को बीतला 5 दिन एवं सुधा कहारी को गिरफ्त करी नहीं पुलिस सन्देह आउ दुई जन बाबुला जानी और सुरेश माझी को उठाई आनी पचराउचरा कटकणा सत्वे बेआईन बाण कारबार गंजाम विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कोटे ऊर्ध टंकार बाण जबत 20 गिरफ सेपटे खोर्धा पद्मपुर बेगुनियार 10 लक्ष ऊर्ध टंकार बाण से किशोरनगर चाषी को उद्वास घटना प्रतिक्रिया रखिले उत्तरांचल आरडीसी कहले साधारण लोकों असमन आचरण ग्रहण नुहे हे कार्यानुष्ठान रिपोर्ट आसे निष्पत्ति ने जिलापाल आज दीपावली बाणफुटा मना आलोकमाला झलसव राज्य ट्विट में शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कटकणा श्रीक्षेत्र में पयाश्राद्ध बिंदु सागर में पिंडदान मना शेषे कालीपूजा चलचंचल भद्रक पीठ से सप्त मातृका बेस दर्शन देखते मां भद्रकाली सुरक्षा दृष्टि 144 धारा जारी 12 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन जवानों सह दीपावली पाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान रो जैसलमार सीमार लोंगेवाला पोस्ट में दीपावली पालन करी समय रे प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चीन को करी कड़ा समालोचना जवान को परिवार रो त्याग को सलाम करी प्रधानमंत्री कहते आपण दीप जलिले मत खुशी लगे आज भारत निजर रणनीति स्पष्ट कर सारी आज भारत बुझार और बुझेबार नीति उपरे विश्वास कै विस्तारवादी नीति को भारत मानव ना बोली सीमा सुरक्षा कौन बुझामणा करना कोरोना महामारी लड़ापी साहस दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ₹130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई देश की सरहद पर हो आसमान में या समंदर के विस्तार में बर्फीली चोटियों पर हो या घने जंगलों में राष्ट्र रक्षा में जुटे हर वीर बेटे बेटी हमारी सेनाएं बीएसएफ आईटीबीपी सीआईएसएफ हर सुरक्षा बल हमारे पुलिस के जवान हर किसी को मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप हैं तो देश है, देश के लोगों की खुशियां है, देश के ये त्योहार है। मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। रास्तार प्रसव कले महिला एभली एक अभावन घटना देखा मिली गजपति जिला सदर महकुमा पारलाखेमुंडी स्थित राजनगर सामनार मुख्य रास्तार प्रसव बेदना आरंभ होबार महिला को डाक्तरखाना नेबा बाटरे तांकर प्रसव होइछि पूर्व महिला एभली अवस्था देखि स्थानीय लोके आंबुलांस को फोन करथिले हेले आंबुलांस आसी नथिला फल रास्तार प्रसव करथिले महिला एवं परे लोके एक अटो साहाज्यरे तांको मुख्य चिकित्सालय को पठाइछन्ते एटि प्रश्न उठुछि जे सरकारक योजना रे उपलब्ध थिबा जननी एक्सप्रेस कहा पाई
बरगढ़ जिला अतावीरा ब्लॉक अंतर्गत पहाड़ सिरगिड़ा गांव जमी दरपड़ा ठारे सौकीलाल सेठ को हत्या कर मृतक सौकीलाल निज घर बरगढ़ बरडोल ठारे गत काली संध्यारे बड़ पुओ प्रमोद ससुर घर सम्मुखरु मृत शरीर मिलता मृतक सौकीलाल बड़ पुओ प्रमोद थाना अभियोग अनुसार प्रमोद सान भाई प्रदीप्त सेठ यह घटना घटाइवर सन्देह कर पुलिस कही स्थानीय अतावीरा पुलिस घटनास्थल में पहुंच घटनार तदंत आरंभ कर आज पवित्र दीपावली उत्सव अवसर में राज्यर अन्यतम शैवक्षेत्र आरडी धाम बाबा आखंडलमणि मंदिर में परंपरा अनुजाई राति 10:00 मंदिर चूड़ा को उठिब महादीप एथिपाई समस्त प्रस्तुति सरीथिबा बेले दैनंदिन नीतिकांति सामान्य परिवर्तन कराई मंदिर परंपरा और विधिविधान अनुजाई समस्त नीतिकांति कोविड कटकणा मध्य संपन्न होपरिक प्रशासन पक्षर पीठ से 144 धारा जारी कर व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन करपरी महामारी करोना कटक जारी रही बिना भक्त में महादीप नीति संपन्न हेबो बोली जिलापाल निर्देश दिछन्ते कोरोना मृत्यु संख्या 1500 पार कर आज पुणी 7 जन आक्रांत मृत्यु होई मिसाई राज्य में मृत्यु संख्या 1510 पहुंची भुवनेश्वर 2 मयूरभंजर जड़े सुंदरगढ़ 3 और बालेश्वर जनकर मृत्यु होपर राज्य में नुआ 902 आक्रांत चिन्हट होती क्वारंटीन सेन्टर 523 रही बेल स्थानीय संक्रमण 379 रही सर्वाधिक मयूरभंजर 88 पजिट चिन्हट होती अनुगुल आठमल्लिके अबकारी विभाग दबंगगिरी घटना नाबालकों माड़ मार थाना लिखित अभियोग कले नाबालकों बापा बुधवार आठमल्लिक ब्लक ठाकुरगड़ फुलुरी बणिया गाँव में मदधर पकड़ तेज चढ़ाऊ बेले मामू घर को बुली जा सदानंदपुर गाँव रणे 10 वर्ष नाबालक को आठमल्लिक अबकारी अधिकारी गाड़गुलज करने एक बाड़ी में पिटवा सह चापुड़ा मारिथिबार अभियोग करी नाबालकों बापा ठाकुरगढ़ थाना एतला देछंती उक्त नाबालकों मानसिक अवस्था भल नथिबा अभियोग रे दर्शाइछंती एने ठाकुर एक मामला रुजु करबा सह तदंत आरंभ करिछि पटनागढ़ में 6 जन को हत्या घटना को बीतला 5 दिन एबे सुधा कहारी को गिरफ्त करना पुलिस सन्देह में 2 जन बाबुला जानी और सुरेश माझी को पुलिस उठाई आनी अटक रखिता जनाई पूर्व भोला और शिवा जानी को अटक रखी पचराउचरा चल पुलिस तेज भोला और शिवा निर्दोष पर लोके अभियोग कर घरे शोइथिबा अवस्था पुलिस उठाई आनी जंगल उठाई आनी कथा कहि पत्नी कहते गत काली ससुर बाबुला जानी और भिणई सुरेश माझी को अटक रखी पचराउचरा चली घटना दिन आम ससुर और भिणई पटनागढ़ में नथिले बोली बहु जानकी जानी और मईन जानी कहते आज 4 दिन है आसी घर न पुलिस मन नहीं चन जे उठे करी जे के माला के नहीं ने आमर मनुष मन को नेले ने साहिर पड़ार लोक मिसा नेले पचरा उचरा कर आनबू आर छाड़ी देबू कहले आम आज तू आना जाना हो 4 दिन है आर चुचा चुचे कह जंगल नु धरी आनलु बोली कहछन एने आसी से पुलिस मन एने मिसा आसले आर आम ससुर के मिसा नहीं कर चेक फेक करे मिसा से 10 मिसा नहीं बाहर आर कहले जे सकाल छाड़ी देबू आज आम सकाल न गलु से सकाल राति होगला 8टा होगला 8टा बेले राति हमें घर के पहुंचलु जे सकाल को आसो छाड़ी देबु बोलले आरे नहीं छाड़बार किए मारले किए नहीं आंगे तांकु मरणरा को बिना दोषी रे आसी करी राति 9टा रे पचराइबु बोली गांव लोक मिसा 2-3टा आसले आर इटी देखले आंगिया कि पचराइ बुचराइ पचराइ करी आनी छाड़ी देबे बोले गांव लोक भी कहले कि पचराइ करी आनी करी घर को छाड़ी देबे तमे डरो नहीं बोली कर कहले 4 दिन हेलाणो आंगिया तो आम हाँ कहलु पिला छुआर लोक आनी दब आंगिया पचरा कर कहला रु तांगे कहले कि हाँ कहले आर तार राति मुई बसी थी आंगिया आनी कर छाड़ी देवे बोली सीना छाड़ी देले नाई
20 वर्ष पाकिस्तान जेल रे रही निज माटी को फेरीथिबा सुंदरगढ़ कुर्ता ब्लॉक कटंग झर जगरपड़ा गांव बिरजू कुलुं को सरकारी सहायता प्रदान करा जाय छे। आज बिरजू का गांव रे जिला प्रकल्प अधिकारी वैरव सिंह को सह कुत्रा वीडियो मानस रंजन राय पहुंची बिरजू को अंत्योदय कार्ड बिजु पक्का घर सह रेड क्रॉस पांठिरु नगद 30,000 टंका प्रदान करछंती। अंत्योदय कार्ड रे अग्रिम 2 मास रो चावल दिया जाय छे। आगो को बिरजू को मानसिक चिकित्सा करबा पई प्रशासन प्रतिश्रुति दै छे। गंजामरु कोटियरु ऊर्ध टंकार विदेशी बाण जबत। दीपावली रे कोरोना पई बाण बिक्री और बाण फुटाइबा कटकणा लागिथिबा बळे केतेक स्थान रे लुच्चा छपारे बाण कारबार होउछि। गंजाम एवं ब्रह्मपुर पुलिस द्वारा विभिन्न स्थान रे चढ़ाउ जारी रहिथिबा बळे पूर्वरु आसिका पुलिस द्वारा 70 लाख टंकार एवं धराकोट पुलिस पक्षरु 50 लाख टंकार बाण जबत होइथिला। ठीक सेहिबळे हिंजुळी पुलिस पक्षरु 5 लाख टंकार बाण जबत होइथिबा बळे चिकिटी पुलिसरा पुरुषोत्तमपुर कविसूर्य नगर छत्रपुर पुलिस पक्षरु मध्य लक्षाधिक टंकार बाण जबत होइथिबा सूचना रहिछि। एमितिकी उभय गंजाम पुलिस एवं ब्रह्मपुर पुलिस पक्षरु अधिक एनै पाखापाखि 20 जनकु गिरफ करा जाइछि। बर्तमान सीधासलख जा जैसलमेर को सीधासलख चित्र से देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान भारतीय सेना मान पाखे पहुंची टैंक बस पूरा परिदर्शन करुँचार सीधासलख विजुआल आपन रही। तबे पूर्वरु जवान को सह दीपावली पाली थिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउ किछि समय पूर्वरु से मध्य जवान मानन को संबोधन करथिले। राजस्थान रो जैसलमार सीमा रो लांगेवाला पोस्ट रे दीपावली पालन करथिले मोदी। एहि समय रे प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चीन को कड़ा समालोचना मध्य करथिले किंतु वर्तमान रो दृश्य आपण देखुछंती टैंक रे बसी मध्य पूरा परिदर्शन करुछंती अंचल को एवं जहा कहा जाउछि जे पूरा अवस्था मध्य स्थिति मध्य परखिछंती जवान को परिवार को मध्य तांको त्याग को मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको संबोधन रे सलाम करथिले। प्रधानमंत्री कहिछंती जे आपणक सह दीप जाळिले मते खुशी लागे। अच्छा परवर्ती खबर को खोर्धा जिला पद्मपुर रो विपुल परिमाण बाण जबत। बालुगा एसडीपी अंक नेतृत्व में बाणपुर पुलिस पक्षर राति तमाम चढ़ाऊ कर 10 लाख टंकार बाण जबत हो। खोर्धा जिलार पद्मपुर अशोक पात्र घर और दुकान उपर चढ़ाऊ कर पुलिस से ही बाण जबत कर घटना रे अशोक पात्र को गिरफ कर तदंत कर पुलिस। बेगुनिया पुलिस पक्षर विपुल परिमाण बाण विस्फोरक सामग्री जबत हो। दीपावली को कोरोना जो बिना बाण फुटाई पालन करने को राज्य सरकार और जिला एसपी कड़ा निर्देश देता बेले बाण बिक्री प्रतबंधक लगे। हेले बेगुनिया थाना कंटाबाड़ गाँव काशीनाथ तो महापात्र बाण प्रस्तुति कर अगर घरे लुचाई रखिथार विश्वस्त सूत्र खबर पाई बेगुनिया पुलिस एक टीम चढ़ाऊ कर चढ़ाऊ बेले लक्षाधिक टंकार बाण तैयारी सामग्री और बारूद जबत हो। काशीनाथ ना एक मामला रुजु कर तदंत चल बेगुनिया पुलिस। पुणि थे सीधासख नजर पकाइबा जैसलमेर एवं जैसलमेर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ वर्तमान चित्र आपड़ देखुंजे टैंक उपरे बसी पूरा अंचल को परिदर्शन करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्थिति परीक्षा पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमार सीमार लंगेवाला पोस्ट में दीपावली पालन करते।
आस परवर्ती खबर को खोर्धा जिला टांगी 16 नंबर जातीय राजपथ कुहुड़ी निकटे ट्रक रु लुट खंडा भुजाली देखाई लुटी नेले लुटेरा केन्दुझर ब्रह्मपुर अभिमुखे जाउथिबा बळे ट्रक चालक ढाबारे खाइबा पई गाड़ी टिकु रखिथिले। एही समय रे चारि जण लुटेरा ट्रक चालकंकु खंडा भुजाली देखाई मोबाइल फोन हजार टंका लुटि नेछंती। एपरिके ट्रक चालक प्रतिरोध करिबारु ट्रक चालकंकु डकैत माने भुजाली रे हाणी आहत करछंती। आहत ट्रक चालक नयगढ़ जिला दसपला कंधखालर मोड़ा निरंजन ज्ञानी स्थानीय लोक माने घटनास्थल रे पहुंची आहत ड्राइवर को टांगी गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रे भर्ती करछंती। अनुगोलरे किशोर नगर तहसीलदार चासिंग को उठवास करबा घटना रे प्रतिक्रिया रखिले उत्तरांचल आरडीसी निरंजन साहू। जेते बड़ पदाधिकारी हेले भी साधारण लोकों को असभनीय आचरण ग्रहणीय नुहे। कोड ऑफ कंडक्ट विरुद्धाचरण होइतिले अधिकारी विरोध में हेबो कार्यानुष्ठान। जिलापाल घटनार तदंत निर्देश दैछंती। रिपोर्ट आसिबा परे हेबो कार्यानुष्ठान। सेपटे तदंत बाटबणा होइतिबा नै अभियोग को खंडन करिछंती श्री साहू। अनुगोल जिला को एक सरकारी कार्यर समीक्षा करबा को आसिथिबा समय रे सर्किट हाउस परिसर रे श्री साहू निज ए घटना उपरे निजर मत पोषण करिछंती। सेपटे अनुगोल जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई तदंतर पुष्टि करिथिबा आठमल्लिक उपजिलापाल कहिछंती खूब शीघ्र तदंत रिपोर्ट हेबो दाखल। गत 7 तारिख रे किशोरनगर कॉलेज छक निकट रे मास्क चेकिंग समय रे घटिथिला एभळे एक अघटन। सामान्य मास्क मुहरु टिके खसि जाइथिबारु सर्वसाधारण रे किशोरनगर तहसीलदार लक्ष्मी प्रसाद साहू दुई चासी मागुणी साहू और सुशांत राणा को उठवास कराइथिबा नै अभियोग हेबा सह एहारो सीसीटीवी फुटेज भाइराल होइथिला। बड़ पदाधिकारी हेले मध्ये साधारण लोक को अशोभनीय आचरण देखेबा कोनोसी अफिसर पक्षे केवल शोभनीय नुहे उचित मध्ये नुहे। सेथिपाय मध्ये निर्दिष्ट जदि अभियोग आसीबो मते लागुछि आपण जो निर्दिष्ट अभियोग कथा कहुछन्ति से विषय रे सेटा मु जिलापाल सहित आलोचना करछि। जिलापाल मध्ये सेटा को अनुसंधान करुछन्ति एवं आमे समस्ते जानिछु जे जेते सरकारी कर्मचारी अछन्ति समस्तर गोटे कोड ऑफ कंडक्ट अछि एवं कोड ऑफ कंडक्ट जदि जोंटी विरुद्धाचरण करुछन्ति बोली के आसीबो सेथिपाय से श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान रो परिसर भितर को आसिबे। रिपोर्ट इन कर चलछि चलछन कि सब कलेक्टर ऑलरेडी आमे कहिछु कि से गोटे ताकू निरपेक्ष ताकू गोटे तदंत करा जाउ जेहेतु सेम इंसिडेंट रो डिफरेंट वर्जन रहिछि गोटे आमर सीसीटीवी रो क्लिप एंड गोटे ऑडियो क्लिप भी बहुत वायरल होई छी। तो कंसीडरिंग दि तीन टा वायरल हो छी तो आमर कौन तादर एक्चुअल घटनाक्रमटा कौन रही छी तो सब कलेक्टर भी निजे इनफैक्ट एज वी स्पीक से जाई छथि किशोरनगर टू गेट टू द रूट ऑफ द मैटर एंड जहाँ भी तदंतरे बाहर अकॉर्डिंगली वी विल एक्ट इफ देर इज एनी एक्ट ऑफ माने व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफिशियल वी विल डेफिनेटली टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। पोखरी रे विष प्रयोग पानी रे भासिला 2 टन भला माछ एमिति एक अभावनीय घटना देखिबाक मिलिछि। गंजाम जिला सानखेमुंडी ब्लॉक पाटपुर रे थिबा विश्वास राय पोखरी रे कोनोसे दुर्बत विष पकाई देबारु पोखरी रे थिबा प्राय 2 टन माछ मरि जैथिबा जणा पडिछि। घटनार तदंत करी संप्रुक्त अभियुक्तक विरुद्ध रे कार्यसंस्थान पई पाटपुर सरपंच टी बाबू सुबुधि पाटपुर थाना रे लिखित अभियोग करछन्ते। या सह सानखेमुंडी बीडीओ ओ पाटपुर पंचायत निर्वाही अधिकारी को लिखित भाबे जणाइछन्ते केहि दुर्बत उद्देश्यमूलक भाबे एभळी कांड करिथाय परे बोली अनुमान कर चौछि। कृष्ण प्रसाद तितिप गाँव में भयावह अग्निकाण्ड गोटे परिवार रो पोड़ीगला तीन बखरा घर अल्पके बर्तिले पांच जन व्यक्ति गोटे बाइक सह समस्त आसबावपत्र पोड़ी पांश हो जाए दुईट गोरु जीवंत दग्ध हो जाए। घटनास्थल में अग्निशम बाहन कर्मचारी पहुंची ग्रामवासी सहयोग में निआ लिभाई तेज अग्निकाण्डर कारण जमापड़ना। सुंदरगढ़ जिला कोईडा थाना बाली जझुड़ी निकट में मर्मन्तुद दुर्घटन गोटे परिवार दुई भाई मृत्यु होती। मृतक दुईज हेले निकट कादडिया गांव अरुण माझी अजय माझी दुई भाई कौन एक कार्य बाइक जोगे निकटस्थ डेंगुला गांव को जाता बेले एक अजणा गाड़ी धक्का देता फल अरुण घटनास्थल में मृत्यु होता बेले आहत होता अजय कोईडा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होती। तेरे गोटे मस मध्य सड़क दुर्घटन केवल कोईडा अंचल में 8 जन मृत्यु होगा। बारंबार सड़क दुर्घटन निरीह लोक जीवन जाउथिबारु ट्राफिक व्यवस्था उपरे साधारण लोके अंगुली निर्देश करछन्ति।
ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିଆ ଥାନା ଡେରେଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଲିପୁ ନାୟକ। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ବାଲି ବୋଝେଇ ହୋଇ କଣିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ କଣିଆ ଡେରେଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଣିଆ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଶବ ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଦୀପାବଳି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେବ ପର୍ବ। ସେହିପରି ଆଜିଠୁ ମା କାଳୀ ଧରାବତରଣ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ। ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲର ପର୍ବ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଓ ଲୋକକଥା ରହିଛି। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆଲୋକରେ ସଜି ହୋଇଥିଲା ସାରା ସହର। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ପର୍ବ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେବ ପର୍ବ। ବାଣଫୁଟା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ କାମନା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏହା ସହ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର ଐତିହାସିକ କାଳୀପୂଜା। ଏହି ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଆଜି ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା ଆଜି ବେଦମାତା ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀପୀଠ। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା। କେବଳ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ, ମାନସିକ କଳସ ଯାତ୍ରା, ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀଘାଟରୁ ବାହାରି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରେ ମା ବେଦମାତା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଜି ବେଦମାତା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପରିବାରରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା ଜୈସଲମର ଉପରେ, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। जी बिल्कुल सकल, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले, बहुत सुंदर तस्वीर हमने देखी। प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से जवानों को मिठाई बांट रहे हैं और निश्चित तौर पर ये एक तरह से बहुत यादगार पल रहेंगे उन जवानों के लिए जो अपना सब कुछ छोड़कर एक तरह से देश के हर एक कण की सेवा में और अपना तन मन धन एक तरह से अपना पूरा जीवन खपा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत भावुक कर देने वाला ये क्षण उन तमाम जवानों के लिए भी होगा। लोगों वाला में वो उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी तमाम उन जवानों को। और देखिए, करीब 100-125 सैनिकों ने 3000 की एक जो टैंक डिवीजन था उसको पूरा रोक लिया और एक वो पूरा इतिहास है किस तरह का शौर्य उन जवानों ने दिखाया। छोटे मोर्टान गन से एक टैंक डिवीजन को जिस तरह से रोका था, तो उसकी बात भी प्रधानमंत्री ने की थी। निश्चित तौर पर डिफेंस कैपेबिलिटीज की जब बात कर रहे हैं तो एक चीज सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ना सिर्फ अभी जो मौजूदा जरूरतें हैं भारत की उसका ध्यान रखा जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया जरूर। देखिए, पहले ये जो मिसाइल टेस्टिंग ट्रायल में जो एक तरह से बहुत लंबा अरसा उन्होंने, जब पहले प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने डीआरडीओ को ये टारगेट दिया था कि जो भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं वो समय से पूरे होने चाहिए, समय से मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो जाए उस वक्त वो सेना तक पहुंचे। और बीते 6-7 वर्षों में इसकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम, ये तंत्र है वो पूरा बदला हुआ है। इसके साथ साथ दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, जैसे अब स्टार्टअप को रोपिन किया जा रहा है। हमको पता है कि 500 करोड़ रुपए करीब लगाए गए हैं, खर्च किए गए हैं और करीब
ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜୈସଲମର୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।